माइसेल्फ पास्टर शुक्ला और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्रिंसिपल्स में। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर हमारा कंटिन्यू चल रहा है। तो इस वीडियो पिछले वीडियो में हमने आपको न्यूरॉन और पूरा स्ट्रक्चर उसका बताया था, न्यूरॉन के टाइप्स बताए थे, सारी बातें हमने पिछले वीडियो में कवर की थी। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है कितने टाइप्स का होता है, उसकी पूरी डिटेलिंग मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए और अगर इससे पहले आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको जाके जरूर देखिए, क्योंकि उसमें आपको पूरा न्यूरॉन और नर्वस सिस्टम की स्टार्टिंग की बेसिक डेफिनेशंस और जानकारियां मिल जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर बाकी तो पढ़ाई करते रहिए। जैसे कि अभी आप लोग के स्कूल्स तो खुलने वाले हैं नहीं, क्योंकि अब गवर्नमेंट का भी ऑर्डर आ गया है, जून तो पूरा खुलेगा नहीं, जुलाई भी पूरी स्कूल नहीं खुलेगी और हो सकता है कि अगस्त में भी हाफ ऑफ अगस्त स्कूल न खुले। तो फिर पढ़ाई का केवल एक ही मोड है, ऑनलाइन स्टडी। तो फिर पढ़ाई करते रहिए और मैं आप लोगों के लिए एक या दो दिन के अंदर आप लोग के लिए बेस्ट स्टडी टाइम टेबल या बेस्ट स्टडी मटेरियल, कैसे स्टडी करें इस टाइम पीरियड में जबकि स्कूल हमें जाना नहीं और ऑनलाइन क्लासेस की गाइडलाइंस भी हमें ढंग से प्राप्त नहीं हो रही है, तो फिर कैसे स्टडी करें इन दो मंथ्स में, मैं आपके लिए बेस्ट टाइम टेबल और पूरी ट्रिक्स लेके आने वाला हूँ एक या दो दिन के अंदर। तो उस वीडियो को देखने के लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ओके स्टूडेंट, तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने अभी आपको बताया था नर्वस सिस्टम के बारे में। स्टूडेंट्स, इसके बारे में हमने बात की थी स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम के बारे में। ये बात समझ में आई आपको? एक बार पहले पिछला थोड़ा रिकॉल कर लो। नर्वस सिस्टम के बारे में बात की थी, नर्वस सिस्टम में कौन आया था? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स की बात हुई थी हमारी। न्यूरॉन्स क्या थे? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम की बात हमने की थी। अब ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है, इसको हम थ्री पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड द थर्ड वन ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। बस समझ में आए स्टूडेंट्स? कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इसको? तीन पार्ट में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड थर्ड वन ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम बोलते हैं CNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बोलते हैं PNS एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म क्या है? ANNS। क्या बात है, बहुत समझदार हो गए हो आप लोग। तो फिर समझ लिया इसको, तीन पार्ट हो गए। अब देखो, अभी मैं आपको तीनों पार्ट के बारे में बताने वाला हूँ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है, इसमें हमारी नर्व्स आती है, स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, और इसमें भी हमारी नर्व्स की बात होगी। कैसे होगी, अभी मैं आपको सारी डिटेल एक एक के बारे में बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। ठीक है, किससे स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। ठीक है, अब देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये जितने तीन नर्वस सिस्टम है उनमें सबसे मेन और इंपॉर्टेंट फंक्शन वाला जो नर्वस सिस्टम है वो कौन है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सेंटर मतलब सबके सेंटर का, कौन काम करेगा, केंद्र कौन है? ये CNS। अब देखो इसमें होती है क्या क्या, जब ये सबसे इंपॉर्टेंट है तो इसकी चीजें भी सबसे इंपॉर्टेंट होगी। क्या क्या होंगे? सबसे पहला होगा भाई ब्रेन, ये पूरी बॉडी का बाप, और उसके बाद दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, इसका असिस्टेंट। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? दो चीजें, कौन कौन सी? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। याद रखो क्या क्या, एक हमारा दिमाग, दूसरा हमारा ये रीढ़ की हड्डी के अंदर क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। बात समझ में? अब देखो, अब हम सबसे पहले बात करेंगे, एक एक की बात करते हैं ना, स्पाइनल कॉर्ड की बात अभी हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर। थोड़ी देर हम बात करेंगे किसके बारे में? ब्रेन के बारे में, कि भाई ब्रेन होता क्या क्या है, ये क्या क्या फंक्शन करता है। तो भाई ब्रेन के बारे में, जैसा कि आप लोग जानते हो, पूरा जो कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, मेन फंक्शनिंग यूनिट ऑफ द बॉडी, मेन फंक्शनिंग यूनिट नहीं, सॉरी, मेन फंक्शन जो करता है बॉडी का, वर्किंग जो करता है, कौन करता है? ब्रेन करता है। ओके, तो आइए फिर देखते हैं इसकी बात क्या क्या होती है। सबसे पहली बात, अब देखो कुछ साइंटिफिक लैंग्वेज हम लिखते हैं, ब्रेन इज मेन स्विचिंग यूनिट ऑफ बॉडी। स्विचिंग यूनिट मतलब कंट्रोल की यूनिट, इसको हम कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी भी बोल सकते हैं। बात समझ में आई है? कितनी बात हो गई? ब्रेन के बारे में। अब देखो ब्रेन का जो टोटल वेट होता है, कितना वजनदार ये ब्रेन होता है, लेकिन वेट की बात हम थोड़ी देर बात करेंगे। सबसे पहले ब्रेन के प्रेजेंट कहां होता है, ये कहां पे प्रेजेंट होता है, इसकी लोकेशन क्या होती है? प्रेजेंट इन
क्रेनियल कैविटी, ब्रेन की जो कैविटी होती है उसको क्या बोलते हैं, क्रेनियल कैविटी इनसाइड स्कल। क्रेनियल कैविटी में किसके अंदर, ये जो हमारी खोपड़ी है भेजा भेजा, इसके अंदर, ये स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसी की वजह से ब्रेन क्या होता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है, स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है। और देखो, और स्कल के अलावा भी ये तीन मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, तीन तरीके मेम्ब्रेन से सराउंडेड बाई ट्रिपल लेयर मेम्ब्रेन। ट्रिपल लेयर मेम्ब्रेन से सराउंडेड, इसको और क्या बोलते हैं, नोन एज मैनिंग्स। अब देखो ब्रेन तो ठीक है, ब्रेन, अब देखो हमारा स्कल जो पार्ट है वो क्या है, बहुत ही हार्ड पार्ट है। स्कल क्या है हमारा, बहुत ही हार्ड है। अब ब्रेन की मसल्स हमारी सॉफ्ट होती है, तो जब ये हार्ड स्कल में कॉन्टेक्ट में आएंगे तो इनमें भी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो स्कल के बाद ब्रेन में तीन और क्या होती हैं, तीन मेम्ब्रेन्स होती हैं, ट्रिपल लेयर्ड मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलते हैं, मैनिंग्स बोलते हैं। ये क्या करती है कि इसमें ब्रेन को एकदम फिर स्मूथली वर्क करने में हेल्प करती हैं। अब और तीनों हम देख लेते हैं क्या क्या है, तीनों हमारी जो मेम्ब्रेन है वो कौन कौन सी है, ठीक है। देखो सबसे पहले जो हमारी इनर मेम्ब्रेन है, इसको बोलते हैं पायामीटर। इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, पायामीटर। अब देखो इनर मेम्ब्रेन जो पायामीटर है, इसमें क्या होता है, इसमें होती है तुम्हारी नर्व्स प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करती है, ब्रेन में जो फूड मटेरियल या थिंग्स जो लेके जानी होती है, न्यूट्रिएंट्स ले जाना होता है, कौन लेके जाता है, पायामीटर के थ्रू ही जाता है। तो इसके लिए सिंपल इसको लिख लो, नर्व्स प्रेजेंट इन इट विच कैरी न्यूट्रिएंट्स टू ब्रेन, ठीक है। ये बात हो गई पायामीटर की। और जो हमारी लास्ट में वो आउटर मेम्ब्रेन, जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं ड्यूरा मैटर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं ड्यूरा मैटर, और जो हमारी मिडिल मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं आइकोनॉइड मेम्ब्रेन। मिडिल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, आर्केनॉइड, आर्केनॉइड मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब देखो ये बात कितनी समझ में आ गई, मिडिल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, आर्केनॉइड मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब देखो ये जो मिडिल मेम्ब्रेन की जो कैविटी होती है, इसको किससे फिल्ड होती है, फिल्ड विद सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब इसको जल्दी से एक बार इरेज कर देते हैं इसको हम, और फिर आगे आपको बताते हैं क्या होता है। क्या होता है, इनसाइड मेम्ब्रेन्स, इनसाइड बिटवीन मेम्ब्रेन्स कर दो ना, बिटवीन मेम्ब्रेन्स अ फ्लूइड इज प्रेजेंट known as cerebrospinal fluid। membranes के बीच में एक fluid present है जिसको हम क्या बोलते हैं students, cerebrospinal fluid। membranes के अंदर क्या fluid present है, एक fluid present है cerebrospinal fluid। अब ये fluid का function क्या क्या है, कि ये brain को external jerking से prevent करता है और smooth functioning में brain के help करता है। क्या क्या function है cerebrospinal fluid के, protects brain from mechanical shock, brain को mechanical shock से protect करना, और helps in smooth functioning of brain। और brain की जो smooth functioning होती है उसमें भी help करता है कौन, ये protect करता है ये कौन, cerebrospinal fluid, ठीक है। ये बात इतनी समझ में आ गई।
और अब ब्रेन की वेट की बात मैंने यहाँ पे की थी, तो जो ब्रेन का टोटल वेट होता है वो पूरी बॉडी के 2% के बराबर होता है। हमारी बॉडी का जितना वेट होगा उससे 2% का वेट इतना होगा ब्रेन का। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, तब मैं आगे बढ़ता हूँ अपने दूसरे टॉपिक की ओर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो स्टूडेंट्स इसका। आप लोगों ने अब हम बात करेंगे ब्रेन के बारे में। ब्रेन का स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूँ, ब्रेन का हम डायग्राम आपको समझाते हैं। देखो यार, ये जो डायग्राम बना हुआ है ये ह्यूमन ब्रेन का एक डायग्राम है। किसका डायग्राम है? फिगर के नीचे उसका नाम लिख दिया करो हमेशा, मैं भी लिख देता हूँ फिगर के नीचे किसका डायग्राम है, ये ह्यूमन ब्रेन का। ओके ठीक है। देखो हर बुक में अलग अलग डायग्राम होते हैं, पूरी बुक्स में मतलब जितने आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स देखेंगे तो हर जगह अलग अलग डायग्राम्स रहते हैं। यहाँ पे हमने इस डायग्राम को कंसिडर किया है। तो देखो ये जो ब्रेन का आप ही पूरा स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये वाला जो पार्ट है जैसे कि मैंने लेबलिंग कर रखी, ये पार्ट कौन सा है? सेरेब्रम है। इस पार्ट को ये जो ऐसे राउंड अप हुआ है इसको बोलते हैं कॉर्पस कोलोसम। ये होता है, ये जो यहाँ पे हल्का लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है फिंगर लाइक पोजीशन वाला, ये है सेरेब्रम। और ये जो यहाँ से निकली है पाइप शेप्ड में, ये स्पाइनल कॉर्ड होता है। मेडुला यहाँ पे, पॉन्स वेरुलाई यहाँ पे। तो ये हो गया सारा ब्रेन का मेनली जो स्ट्रक्चर जितनी चीजें हैं ये मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। उसके बाद इनका फंक्शंस क्या होता है, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सब आपको यहाँ पे बताया जाएगा, परेशान ना हो। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ब्रेन का क्लासिफिकेशन दिखा देता हूँ कि ब्रेन कितने पार्ट में होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ब्रेन की बात कर लें, ओके स्टूडेंट, तो ब्रेन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज हाइंड ब्रेन। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गए इनके जनरल नाम। अब इनके हम साइंटिफिक नाम भी बता देते हैं आपको। इसका होता है प्रोजेनसेफेलॉन। क्या होता है इसका नेम? फोर ब्रेन का नेम होता है प्रोजेनसेफेलॉन। ठीक है, मिड ब्रेन का होता है मेसेनसेफेलॉन। ओके, एंड हाइंड ब्रेन का होता है रोम्बेनसेफेलॉन। ये तीनों हमारे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के नेम्स हो गए। अब देखो हमने ये तो हो गया ब्रेन का मेनली 3 क्लासिफिकेशन। अब ये जो पार्ट्स हैं इसमें भी ये हमारा जो फोर ब्रेन है ये भी 2 पार्ट्स में क्लासिफाई होगा, और ये जो मिड ब्रेन कोई पार्ट नहीं, सिंगल पार्ट है, मिड ब्रेन ही रहता है, और हाइंड ब्रेन भी हमारा 3 पार्ट्स में क्लासिफाई होगा। ठीक है, तो फोर ब्रेन के जो पार्ट्स है कौन कौन से हैं? सब एक है हमारा सेरेब्रम, ठीक है, एंड दूसरा है डाइनसेफेलॉन। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनका फंक्शन सब अभी बताया जाएगा, वीडियो बस कंटिन्यू देखते रहो। ये बात हो गई फोर ब्रेन की। अब ये हमारा मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता, हमारा जो हाइंड ब्रेन है, सॉरी हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। हाइंड ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है सेरेबेलम, ठीक है, दूसरा होता है मेड्यूला। ठीक है, क्या हो गया? सेरेब्रम मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड थर्ड वन इज पॉन्स वेरोलाई। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर यहां पे ब्रेन के कितने पार्ट्स हो गए? पहले बेली ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, जिसको आप प्रोजेनसेफ्रॉन, मेसेनसेफ्रॉन या रोम्बेनसेफ्रॉन भी बोल सकते हो। उसके बाद फोर ब्रेन या प्रोजेनसेफ्रॉन की कितने पार्ट्स? 2 पार्ट्स, इसको सेरेब्रम एंड डाइनसेफ्रॉन। उसके बाद मिड ब्रेन के कोई पार्ट नहीं, हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट, सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स वेरोलाई। अब ये क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, सारी बातें अभी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, कंटिन्यू हो गया। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, ब्रेन का डायग्राम। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ सेरे, सबसे पहला पार्ट फोर ब्रेन का पहला पार्ट क्या है? सेरेब्रम। ठीक है, इसमें क्या है? सेरेब्रम की बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? सेरेब्रम के बारे में। ओके स्टूडेंट, बात समझ आई? देखो सेरेब्रम क्या होता है, सेरेब्रम पूरे ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन अभी आपने देखा, पूरे ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट या सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो कौन होता है पता है? सेरेब्रम होता है यार। पूरे ब्रेन को अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दें तो उसका 2 पार्ट किसके अंतर्गत आता है? सेरेब्रम के आता है। मतलब 2/3 पार्ट्स, कितने पार्ट्स? 2/3 पार्ट्स क्या होता है? सेरेब्रम। ठीक, तो सबसे पहले हम यही लिख देते हैं, इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन अबाउट
टू बाई थ्री और 80% ऑफ टोटल ब्रेन। बात सुन रहे स्टूडेंट्स? तो टोटल ब्रेन के या तो 2/3 या 80% के बराबर होता है। अब देखो, जब इतना बड़ा पार्ट ये हो, इतना बड़ा ये पार्ट ले लिया, इतना बड़ा इसका स्ट्रक्चर हो गया, तो इसका फंक्शन भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा, होना चाहिए भाई। जब 80% पूरा पार्ट तुम ले ले रहे हो तो मतलब कुछ ना कुछ अच्छा काम करोगे, कुछ ना कुछ बड़ा काम करोगे, तभी तुम्हें इतनी जगह चाहिए। नहीं तो क्या हो गया भाई, छोटी जगह में कोने में रहते हो गया ना, तो दिमाग में क्या हुआ भाई? ये होता है कंट्रोल सेंटर ऑफ ब्रेन, कंट्रोल सेंटर ऑफ ब्रेन। ब्रेन का कंट्रोल सेंटर किसको बोला जाता है? सेरेब्रम को, याद रख लो। एमसीक्यू में क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है कि कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी किसको बोला जाता है? ब्रेन को। एंड कंट्रोल सेंटर ऑफ ब्रेन किसको बोला जाता है? सेरेब्रम को। बात याद आ रही? दिमाग में बैठा लो, थोड़ा अच्छे से मजा आ रहा है ना, बैठा लो। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई भाई लोग? बस एकदम समझते रहो फोकस करके, तो बात समझ में आ गई। ये हो गया इतना। अब देखो, ये सेरेब्रम होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। क्योंकि भाई इतना बड़ा पार्ट है, इसको हम स्टडी करना, तो दो पार्ट्स में डिवाइड करते थे, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। और दोनों हेमिस्फीयर जहां पे ज्वाइंट होते हैं उस पार्ट को बोलते हैं कॉर्पस कॉलेसम। बात समझ में? कितने पार्ट में डिवाइड होता है? दो पार्ट में, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड एक राइट हेमिस्फीयर। और दोनों जहां पे डिवाइड हो जाते हैं उसको बोलते हैं कॉर्पस कॉलेसम। तो सेरेब्रम कितने पार्ट में हो गए? एक राइट हेमिस्फीयर, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर जिसको बोलते हैं, या तो एक राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दूसरा लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और दोनों कहां पे डिवाइड होते हैं? दोनों यहां पे डिवाइड होते हैं, उसको बोलते हैं कॉर्पस कॉलेसम। तो लिखने की बात है, लिख देता हूं, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब मैं ये नहीं लिखने वाला हूं यहां पे टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये सब लिख लो, टेंथ में पहुंच गए हो। ठीक है, और एक क्या होता है? दूसरा लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, एंड बोथ ज्वाइंट एट कॉर्पस कोलेसम। ठीक है, क्या होता है कि दोनों क्या करते हैं? एक राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, एक लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और दोनों क्या करते हैं? किससे ज्वाइंट होते हैं? कॉर्पस कोलेसम के। अब देखो, अब एक बात आप यहां पे मजे की बात सुनो, ये बात तो समझ में आ गई इतनी ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, तो ये बात समझ में आ गई। अब देखो, हमारी बॉडी भी दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड ना। अब अगर ये सेरेब्रम भी दो पार्ट में हो गया, एक राइट हेमिस्फीयर एक लेफ्ट हेमिस्फीयर, तो क्या होना चाहिए? ये जो राइट साइड वाली बॉडी का सेंसेशन है वो कहां जाना चाहिए? राइट साइड में। और लेफ्ट साइड वाले का सेंसेशन लेफ्ट साइड में, तभी तो पूरा कंट्रोल होगा। यही होना चाहिए ना, होना चाहिए, यस होना तो यही चाहिए, बट होता नहीं है। क्या होता है? हमारी बॉडी की जो राइट साइड वाली है, राइट साइड के पार्ट्स हैं, वो अपने सेंसेशन कहां भेजते हैं? लेफ्ट साइड ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर में। और जो लेफ्ट साइड वाले हैं, वो सेंसेशन कहां भेजते हैं? राइट साइड वाले हेमिस्फीयर में। बात ये याद रख लो, ट्रिकी क्वेश्चन है, फंसाने के लिए कभी कभी पूछ लिया जाता है कि राइट साइड वाले आप मतलब ये पूछा क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जाएगा कि लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर रिसीव सेंसेशन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द बॉडी, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट, या ऐसे एमसीक्यू में पूछ लिया लेफ्ट राइट बोथ या नॉन ऑफ दीज। तो फिर याद रख लो कि जो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट साइड से सेंसेशन रिसीव करता है, और जो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो राइट साइड से सेंसेशन रिसीव करता है। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? बैठा लो यहाँ पे, बैठा लो। ठीक है, बैठ गया। अब देखो, जो हमारा एक हेमिस्फीयर है, एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर, वो कितने किसमें? फोर लोब्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से लोब्स में? एक हेमिस्फीयर चार लोब, कौन कौन से हो गया हमारा? फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। बात ध्यान रख लो, पहले सबसे पहले हमारा ब्रेन था, वो तीन पार्ट में डिवाइड हुआ, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। बात उतनी क्लियर हुई। उसके बाद हमारा फोर ब्रेन टू पार्ट में डिवाइड हुआ, कौन कौन सा? सेरेब्रम एंड डाइनसेफलॉन। उसके बाद फिर हमारा हमारा सेरेब्रम कितने पार्ट, कितने हेमिस्फीयर्स में डिवाइड हुआ? टू हेमिस्फीयर्स में। कौन कौन से? लेफ्ट सेरेब्रम हेमिस्फीयर एंड राइट सेरेब्रम हेमिस्फीयर। और उसके बाद जो हमारा ये सेरेब्रम हेमिस्फीयर है, ये एक सेरेब्रम हेमिस्फीयर चार लोब्स में डिवाइड होगा, कौन कौन सा? फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। तो आइए इसको भी हम डिवाइड करते हैं। बात क्लियर? मजा आ रही है? मजा तो आनी ही चाहिए भाई, बिना मजा के कोई काम अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू फोर लोब्स। ठीक है, कौन कौन से हो गया? पहला हो गया टेम्पोरल लोब,
टेम्पोरल लोब, फिर उसके बाद दूसरा हो गया फ्रंटल लोब, थर्ड वन इज पैराइटल लोब, फोर्थ वन इज ऑसिपिटल लोब। बात क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? कितने लोग हो गए? फोर लोग, टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। अब देखो ये बातें यार एकदम से फ्लो चार्ट ग्रुप में दिमाग में बैठा के रखो, जितना बढ़िया फ्लो चार्ट ग्रुप में दिमाग में बैठा के रखोगे ना उतनी चीजें कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर होती जाएंगी। कैसे क्लियर होती जाएंगी ध्यान रखो। अब देखो एक बार मैं आपको रिकॉल कराता हूँ फ्लो चार्ट ग्रुप में, बस उसको रिकॉल करते रहना। कैसे रिकॉल करोगे ये देखो, मान लो सबसे पहले हमारे पास हमने ये सारी चीजें जितना ये लिखा है हम भूल गए, सब भूल गए ना, केवल हमारे पास एग्जाम टाइम में हमारे दिमाग में केवल फ्लो चार्ट है, ठीक है, फ्लो चार्ट है। अब फ्लो चार्ट केवल हम बस क्या रखेंगे, फ्लो चार्ट अगर हमारे दिमाग में है केवल, तो फिर क्या होगा, सबसे पहले हम लिख देंगे ब्रेन के बारे में। मान लो सीएनएस आ गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम एक पॉइंट बना के लिख सकते हैं, टू पार्ट में डिवाइड हो गया ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फिर हम ब्रेन के बारे में लिख सकते हैं, वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो गया, फिर उसके हर पार्ट को दो पार्ट्स में और उधर वाला तीन पार्ट में हमारा हाइंड ब्रेन डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद सेरेब्रम हमारा टू हेमिस्फीयर में, फिर टू हेमिस्फीयर से वो फोर लोब्स में। अब मतलब पांच से सात पॉइंट आराम से क्लियर कर ले जाओगे वहां पे बिना किसी दिक्कत के, बात समझ में आ रही है? तो इसलिए फ्लो चार्ट ग्रुप में बना के रखो दिमाग में, मजा आ जाएगा, ठीक। और बात अगर ये पसंद आ गई हो तो लाइक जरूर कर देना यार वीडियो, लाइक करने से थोड़ा अंदर से फीलिंग अच्छी आती है कि बंदे पसंद कर रहे भाई लोग, ठीक है। और अब देखो ये यहाँ पे सेरेब्रल हेमिस्फीयर बात क्लियर हो गई। अब देखो सेरेब्रल, ये जो हमारा एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ये किसमें टू फोल्ड, इसमें दो फोल्ड होते हैं, एक होता है आउटर फोल्ड और एक होता है इनर सरफेस फोल्डेड, एक फोल्ड होता है आउटर सरफेस फोल्डेड और इनर सरफेस फोल्डेड। तो जो हमारा फोल्डेड आउटर सरफेस होता है उसको बोलते हैं हम ग्रे मैटर, और जो फोल्डेड इनर सरफेस होता है उसको बोलते हैं व्हाइट मैटर, ठीक है। क्या होता है, इट हैज फोल्डेड आउटर एंड इनर सरफेस, ठीक है, फोल्डेड आउटर सरफेस को बोलते हैं हम ग्रे मैटर, ठीक है, और फोल्डेड इनर सरफेस को बोलते हैं व्हाइट मैटर। अब देखो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर क्यों बोलते हैं, ये बात एक बार हम मैं आपको बता दे रहा हूं एकदम कॉन्सेप्ट की, ग्रे मैटर को ग्रे मैटर क्यों बोलते हैं, व्हाइट मैटर को व्हाइट मैटर क्यों बोलते हैं, पता है क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा ग्रे मैटर है ना इसमें अनमाइनिलेटेड न्यूरॉन्स होते हैं। कौन से न्यूरॉन्स, अनमाइनिलेटेड न्यूरॉन्स, ठीक है, जिसमें क्या होता है जो माइलिन शीथ होती है वो प्रेजेंट नहीं होती। तो और ये जो माइलिन शीथ होती है किस कलर, ये जो माइलिन होता है किस कलर का होता है पता है, व्हाइट कलर का। और इसीलिए इनर सरफेस में माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं इसीलिए वो व्हाइट कलर में हो जाते हैं, उसको व्हाइट मैटर बोलते हैं, और जो आउटर सरफेस है उसमें अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं तो इसलिए वो व्हाइट कलर में नहीं, उसको हम ग्रे मैटर बोलते हैं। बात क्लियर हो गई? तो ये हो गया पूरा का पूरा सेरेब्रम। अब बस इसका फंक्शन अकेले बचा हुआ है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, तो मैं फिर आपको फंक्शंस भी करवा दूं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। अब हम बात करेंगे सेरेब्रम के फंक्शंस के बारे में। देखो सेरेब्रम का मेन फंक्शन क्या क्या है, इट कंट्रोल ऑल वॉलेंट्री एक्शंस। क्या कंट्रोल करता है ये, ऑल वॉलेंट्री एक्शन। अब देखो हमारी बॉडी में दो तरीके के एक्शंस होते हैं, जो हमारी बॉडी के फंक्शन होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होता है वॉलेंट्री एक होता है इनवॉलेंट्री। अब देखो वॉलेंट्री ये होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जैसे हमने ये हाथ हिलाया ये हमारे कंट्रोल में है, जब हम चाहेंगे तभी हाथ हिलेगा, अपन ऐसे हाथ नहीं लेगा। मैं ऐसे सर घुमाया, जब हम चाहेंगे तभी हाथ सर घूमेगा, मतलब ऐसे एक्शंस जो हमारे माइंड के कंट्रोल में होते हैं वो कौन से एक्शन कहलाते हैं, वॉलेंट्री एक्शन, बात समझ में। अब देखो अब तक कहोगे कि ऐसे कौन से एक्शन जो हमारे बॉडी के कंट्रोल में नहीं होते। अब देखो हमारा हार्ट कंटिन्यू बीट कर रहा है, हम चाहें हार्ट को रोक हार्ट बीट रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते, वो कंटिन्यू अपने हिसाब से बीट कर रहा है, ठीक है। हमारी सांसें जब हमें नहीं पता रहती तब भी वो कंटिन्यू चलती रहती हैं, ठीक है, हमारे कंट्रोल में वो नहीं है। हमारी ये जो हमारी पलके झपकती हैं ये हमारे ये भी कंटिन्यू चलती रहती है। ऐसा होता है क्या कि जब हम चाहें तभी पलके झपकी उसके बाद खुली रहे हमेशा, ऐसा नहीं होता ना। तो ये सारे कौन से एक्शन के अंतर्गत आते हैं, वॉलेंट्री एक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो जो सेरेब्रम होता है वो पूरे जितने भी वॉलेंट्री एक्शन होते हैं वो सबको कंट्रोल कौन करता है, सेरेब्रम करता है, बात समझ में आ गई। अब देखो इसके अंदर और कौन कौन सी साइट है, ये साइट ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब इंटेलिजेंस जित कोई बंदा कितना इंटेलिजेंट है वो कहां से पता चलेगा, उसके सेरेब्रम से ही पता चल जाएगा। मेमोरी, मेमोरी भी मतलब याददाश्त हमारी जो होती कहां होती, सेरेब्रम में ही होती है। विल पावर, इच्छा शक्ति, ठीक है। इमोशंस, किसी के बारे में इमोशंस के बारे में, एंड लर्निंग, और जो हम ये चीजें याद करते हैं वो भी मेमोरी में स्टोर होती है, तो वो भी किसके अंदर आ जाती है, सब हमारा कौन कंट्रोल करता है, सेरेब्रम कंट्रोल करता है। तो बात क्लियर हो गई क्या?
यार यार ये सब गिरे जा रहे हैं आज, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब हमारा फोर ब्रेन का दूसरा पार्ट क्या है, वो डाइसेफ्रॉन सेरेब्रम। तब सबको क्लियर हो गया, एकदम क्लियर। अगर क्लियर हो गया होगा, एकदम पसंद बात मजे से आ गई होगी, तो लाइक वाला बटन दबा देना, ठीक है। अब देखो डाइसेफ्रॉन क्या होता है, वीडियो पूरा देखते जाओ, डाइसेफ्रॉन की बात करेंगे हम। डाइसेफ्रॉन क्या होता है कि ये सेरेब्रम और मिड ब्रेन, सेरेब्रम और मिड ब्रेन के बीच में एक रहने वाला छोटा सा लोब है, उसको बोलते हैं डाइसेफ्रॉन, ठीक है। इसकी जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं हम थर्ड वेंट्रिकल, और ये कवर्ड होता है सेरेब्रम को सेरेबेलम द्वारा, पीछे से कवर्ड होता है, ठीक है। अब देखो क्या है ये, इट लाइज बिटवीन सेरेब्रम एंड मिड ब्रेन, ठीक है। इट्स कैविटी इज कॉल्ड थर्ड वेंट्रिकल, मैंने आपको बताया। इट इज स्मॉल रोम्बियल लोब, इसका रोम्बस के शेप का होता है। रोम्बस की शेप क्या होता है, इस शेप क्या होता है ना, चारों साइड इक्वल होती है लेकिन उसके बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं होता। तो हम यहाँ पे मैथ्स की बात नहीं करेंगे, हम बायोलॉजी की क्लास चला रहे हैं ना, ठीक है। तो क्या होता है, ये रोम्बियल लोब होता है और कवर्ड बाय सेरेब्रम, किसके द्वारा कवर्ड किया जाता है, सेरेबेलम द्वारा ही कवर्ड होता है, ठीक है भाई लोग। अब देखो इट हैज टू पार्ट्स, इसके दो पार्ट होते हैं, अपर पार्ट इपिथैलेमस, लोअर पार्ट हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक अपर पार्ट जिसको बोलते हैं इपिथैलेमस एंड लोअर पार्ट जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। बात एकदम बताया गया, रख लो यहाँ पे खड़ा कर, ठीक है। अब देखो इसका फंक्शन क्या है, मेन इसका ज्यादा मेनली फंक्शन हाइपोथैलेमस का ही आता है। हाइपोथैलेमस होता है क्या, क्या क्या कंट्रोल करता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हाइपोथैलेमस के। सबसे पहले क्या करता है, वाटर बैलेंस, बॉडी में कितना वाटर का लॉस होता है, बैलेंस की सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। स्लीप, बंदे की स्लीप की स्लीप को रेगुलेट कौन करता है, कि कौन कितना सोएगा, हाइपोथैलेमस। ब्लड प्रेशर कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। बॉडी का टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है, ये टीएमपी टेम्परेचर है, ठीक है, ये भी हाइपोथैलेमस। और एक ये टेम्परेचर शॉर्ट फॉर्म, बाकी यहाँ पे जो B/W है ये भी शॉर्ट फॉर्म है, मैंने बिटवीन लिखा है, बिटवीन का शॉर्ट फॉर्म हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा कि क्या लिख दिया है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब क्या करता है ये, और भी कंट्रोल करता है, हमारी फीलिंग्स को भी कंट्रोल करता है। कौन कौन सी फीलिंग्स है, प्लेजर की हो गई, एंगर, हंगर, फियर एंड थ्रस्ट, ये सारी फीलिंग्स कौन कंट्रोल करता है, ये सारी फीलिंग्स हमारा कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। तो बात समझ में आ गई कि मतलब हमारे फोर ब्रेन द्वारा क्या क्या कंट्रोल होता है, सारे इनवॉलेंट्री एक्शन। अगर हमारे इकट्ठे फोर ब्रेन की हमसे फंक्शन पूछ लिया जाए तो सारे वॉलेंट्री एक्शन, हमारे इंटेलिजेंस, मेमोरी, विल पावर, इमोशंस, लर्निंग, ये सब कंट्रोल होता है। और क्या क्या कंट्रोल होता है, और ये ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, स्लीप, वाटर बैलेंस, और उसके बाद एंगर, हंगर, फियर एंड थर्स्ट, प्लेजर, ये सब कौन कंट्रोल करता है, सारा हमारा फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। तो फिर यहां से हम फोर ब्रेन को द एंड करते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, तब मैं स्टार्ट करता हूं मिड ब्रेन। क्या बात है, एक दिमाग खत्म हो गया, लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम यहाँ पे बात करने वाले मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के बारे में। देखो सबसे पहले बात कर ले मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन क्या, मेन फंक्शन मिड ब्रेन का क्या है, ये क्या करता है, एंटीरियर रीजन ऑफ ब्रेन से एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन ब्रेन के क्या करता है, उसको कनेक्ट करता है दोनों को, एंटीरियर रीजन और पोस्टीरियर रीजन। और क्या करता है, इट इंक्लूड्स ऑप्टिक लोब्स, क्या करता है ये, इसके अंदर क्या होते हैं, ऑप्टिक लोब्स होते हैं, जो क्या है, विच आर सेंटर ऑफ विजन, मतलब ये जो विजन, मतलब देखने की जो शक्ति होती है उसको वो कहाँ से कंट्रोल होती है, हमारी जो आई साइट होती है वो कहाँ से कंट्रोल होती है, मिड ब्रेन से कंट्रोल होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें ऑप्टिक लोब्स होते हैं। और फ्लोर ऑफ मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का जो फ्लोर होता है उसको बोलते हैं क्रूरा सेरेब्री, अजीब सा नाम है ना, थोड़ा डिफिकल्ट, जवान को लकवा मार जाएगा, लेकिन लकवे को ठीक करके फिर से बोलना है, क्या बोलना है, क्रूरा सेरेब्री, ठीक है। और जो इसकी कैविटी होती है उसको बोलते हैं इटर, ठीक है, इटर। तो ये बात हो गई। अब देखो ये क्या करता है, ये केवल विजन को ही नहीं, ये ऑडिटरी मतलब हियरिंग के जो भी वो होते हैं उसको भी कहां से कंट्रोल होता है, मिड ब्रेन से ही कंट्रोल होता है। ये भी बात आप लोग दिमाग में बैठा के रख लीजिए, ठीक है। तो ये बात हो गई मिड ब्रेन की, समझ में आ ही रहा होगा, सिंपल सी बात है यार, कोई डिफिकल्टी इसमें है ही नहीं। अब हम बात करेंगे हाइंड ब्रेन के बारे में। हाइंड ब्रेन में तीन पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, सेरेब्लम, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स वेरोलाई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेरेबेलम के बारे में। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन का सबसे दूसरा लार्जेस्ट पार्ट है, एंड लोकेटेड एट द बैक ऑफ स्कल, मतलब यहाँ पे ना, यहाँ पे होता है क्या, सेरेबेलम। बात समझ में आई। इट हैड नो फोल्ड, जैसे अभी आपने देखा था कि उसमें किसमें, उसके अंदर सेरेब्रम के अंदर फोल्ड होता है ग्रे मैटर व्हाइट मैटर, तो इसके अंदर कोई फोल्ड नहीं होता, केवल ग्रे मैटर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब देखो, और ये ह्यूमंस में तो वेल डेवलप्ड होता ही है, लेकिन हम लोग से ज्यादा डेवलप किसमें होता है पता है, बर्ड्स में। बर्ड्स में ह्यूमंस से ज्यादा डेवलप ये सेरेब्रम पाया जाता है। अब इसके फंक्शंस क्या क्या है, इट हेल्प्स इन मसल कोऑर्डिनेशन, ये जो हमारी मसल्स होती हैं इनके कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। मेंटेन बॉडी पोस्चर, जैसे बॉडी के कोई भी शेप में है, जैसे जिस शेप में मैं स्टैंडिंग पोस्चर में खड़ा हुआ हूँ, उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाऊँ, फिर थोड़ी देर बाद इस तरह से हो जाऊँ, तो ये सारे पोस्चर कहाँ से मेंटेन होंगे, सेरेबेलम द्वारा ही मेंटेन किए जाएंगे। बात समझ में आ रही, ठीक है। और क्या है,
एंड बैलेंस और बॉडी के बैलेंस को भी मेंटेन करता है। अब देखो जब ये मसल कोऑर्डिनेशन और बॉडी पॉस्चर्स को जब मेंटेन कर रहा, तो मतलब ये सेंसेशन कहाँ से प्राप्त करता होगा, थोड़ा दिमाग लाओ। जब मान लो बॉडी के, जब ये बॉडी के पॉस्चर्स और मसल बैलेंस को मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब सेंसेशन ये कहाँ से पाएगा, ये सेंसेशन पाता है कहाँ से, ये सेंसेशन पता है कहाँ से रिसीव करता है, जैसे हमारे फीट्स हो गए, टोज हो गए और मसल्स हो गई और उससे क्या कहते हैं ज्वाइंट्स हो गए, वहां से ये सेंसेशन कौन रिसीव करता है, सेरेबेलम। ओके स्टूडेंट्स, तो बात ठीक समझ में आ गई, ये हो गया मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या कंट्रोल करता है, विजन और ऑडिटरी कंट्रोल करता, फंक्शन कंट्रोल करता है और ब्रेन के एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन को कनेक्ट करता है। और ये हो गया हमारा हाइंड ब्रेन का पहला पार्ट, सेरेब्रम, जो कि मसल कोऑर्डिनेशन में और कंट्रोल करता है और बॉडी पॉस्चर और बैलेंस को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। तो जल्दी से इसका पूरा स्क्रीनशॉट लो, तब मैं आपको बताता हूं पॉन्स वेरेराई और मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो स्टूडेंट्स, ले लिया आप लोगों ने। अब बात करेंगे हम पॉन्स वेरेराई और मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में, हमारे ब्रेन के जो लास्ट पार्ट्स हैं, ठीक है। पॉन्स वेरेराई क्या करता है, ये सेरेब्रम, सेरेबेलम अभी आपने पढ़ा, उसके जस्ट सामने फ्रंट ऑफ सेरेब्रम कौन लाई करता है, पॉन्स वेरेराई, ठीक है। और इट इज अ थिक राउंडेड रिज लाइक स्ट्रक्चर, और ये थिक मतलब बहुत ही मोटा और राउंडेड मतलब राउंडेड राउंड राउंड शेप में इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ब्रीथिंग एंड कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग एंड कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन की जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, उसके उनके बीच का जो कम्युनिकेशन होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, इन सभी और जो कई पार्ट्स होते हैं उन सभी के बीच का जो वो होता है, क्या होता है, कम्युनिकेशन, वो कौन कंट्रोल करता है, पॉन्स वेरेराई। और कम्युनिकेशन के अलावा भी और चीजें कंट्रोल करता है, क्या क्या है, जैसे कि वो किसकी सेंसेशन होगी, हियरिंग की सेंसेशन, टेस्ट की सेंसेशन एंड बैलेंस की सेंसेशन, ये सब भी कौन कंट्रोल करता है, पॉन्स वेरेराई। देखो यार ये जो मेन वर्ड है पॉन्स, ये जो पॉन्स वर्ड है इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है ब्रिज, एज अ ब्रिज, वर्क्स एज अ ब्रिज, मतलब क्या होता है कि पूरे ब्रेन में कम्युनिकेशन के रूप में हेल्प करता है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, ये हो गया पॉन्स वेरेराई का मेन फंक्शन। अब हम बात करेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में। मेडुला ऑब्लोंगेटा इट इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन का जो सबसे लोएस्ट सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, यहाँ पे लगभग देखोगे तो जस्ट यहाँ पे लगभग लाई करता है, वो क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। इट इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड, ये अंदर से इनसाइड हॉलो होता है, पूरा अंदर से एकदम खोखला होता है, और इसकी कैविटी को बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। अभी तक आपने थर्ड वेंट्रिकल पढ़ा था, अब इसकी कैविटी को बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। और इसके मेन फंक्शन क्या है, जितने भी हमारी बॉडी में इनवॉलेंट्री एक्शन है, कौन से एक्शन स्टूडेंट्स, इनवॉलेंट्री एक्शंस, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, वो सारे एक्शंस कौन कंट्रोल, वो कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। कौन कौन से, जैसे ब्रीथिंग, ब्रीथिंग हमारे कंट्रोल में नहीं है, हार्ट बीट रेट, हार्ट बीट रेट क्या हमारे कंट्रोल में है नहीं, वॉमिटिंग, वॉमिटिंग भी हम क्या है, चाहे जितना रोकने की कोशिश करें लेकिन वॉमिटिंग अगर होनी है तो हो ही जाती है। डाइजेशन क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्या भाई खाना खा लिया उसको रोकेंगे भाई डाइजेस्ट ना हो, नहीं होगा, जब हम चाहेंगे तभी डाइजेस्ट होगा, ऐसा कभी होता है क्या, नहीं होता ना। तो ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये स्टूडेंट्स ये बात हो गई हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, केवल ब्रेन के बारे में। तो वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा है, इसीलिए अब क्या करेंगे हम, ब्रेन के अलावा स्पाइनल कॉर्ड और एक टॉपिक और बचता है रिफ्लेक्स एक्शन, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने बताऊंगा, वहां पे मैं आपको स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस बताऊंगा और रिफ्लेक्स एक्शन के पूरे मैकेनिज्म को मैं समझाऊंगा। ओके, तो फिर इसको जल्द अपने ये पूरा वीडियो की नोट्स बनाइए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर जरूर करिएगा यार, क्योंकि शेयर करने से सभी लोग का भला होता है। तो आप जितने भी आप वो कमाओगे, क्या कहते हैं, गुड विशेष, जिसको अगर आप ये इस वीडियो की या इस स्टडी मटेरियल की जिसको रियली में जरूरत होगी, अगर आपने इसको उस तक शेयर कर दिया, उसके लिए कुछ हेल्पफुल हुआ, तो उसके अंदर से आपके लिए कुछ ना कुछ एक बेनिफिशियल या दुआ टाइप में जिसको बोलते निकलेगी, तो फिर वो आपको हेल्प करेगी। अब आप कहोगे कि सर क्या दुआ कैसे हेल्प करेगी मुझे, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर मान लो कोई एग्जाम हो रहा है, ठीक है, जो रैंक 1 लाता है और रैंक 10, क्या दोनों को रैंक 1-10 या रैंक 1-5, क्या दोनों की उसमें एफर्ट में कोई फर्क होता है क्या, वो भी तो उतना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कुछ रैंकिंग ऐसे फर्स्ट सेकंड जो आ गया, क्या दोनों के एफर्ट में कुछ कम, वो दोनों की पढ़ाई में कोई कमी रही होगी, लगभग लगभग दोनों सेम पढ़े होंगे, लेकिन फिर क्या होता है, वहां पे ये दुआएं काम आती हैं, जो आपने ये गुड विशेष कमाए रहते हो वहां पे ये सारी चीजें काम आती है। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और अब हम आपको स्टार्ट करने वाले बोर्ड के पेपर के लिए, आप परेशान ना हो, जितने भी बोर्ड वाले हैं परेशान ना हो आप लोग, क्योंकि हम लोग आपके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, हमारी सीरीज इस समय कंटिन्यू हम प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही जल्द से जल्द हम आपके लिए बोर्ड एग्जाम रिलेटेड एक वन शॉर्ट सी सीरीज और बोर्ड पेपर के सैंपल पेपर सॉल्यूशन सारी चीजें मैं आपको लेके आऊंगा, बायोलॉजी के लिए भी और भी सब्जेक्ट के लिए मैं आपको लेके आऊंगा, जो सब्जेक्ट सभी जैसे नहीं चल रहे हैं, जैसे हो गया हमारा हिंदी का सब्जेक्ट हो गया, सोशल साइंस कुछ क्लासेस चल रहे हैं, कुछ अभी नहीं चल रही है, तो सारी चीजें मैं लेके आऊंगा, सैंपल पेपर साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेन ईयर सॉल्यूशन सब यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है। और मिशन हमारा क्या है, बोर्ड का टारगेट मिशन 95, इतना बना के रखो, मिशन 95 यही चाहिए, ठीक है।
यही बना के रखो, यही माइंडसेट रख के पढ़ाई करो। बाकी अगर कहीं कोई दिक्कत होती तो मैं खड़ा हूँ आपके साथ, मुझे ईमेल कर देना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं पे मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके स्टूडेंट, तो फिर ज्यादा बातें हो गई, अब ज्यादा बातें अच्छी नहीं होती, तो फिर जल्दी से ये सारी चीजें नोट्स बना लो, मैं चलता हूँ, बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। ओके।